चावल घोटाले को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा ने प्रदेश में 5,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। खाद्य मंत्री इससे इनकार कर रहे हैं और स्पीच कैसे राज्य सरकार ने खुद ही कराई थी मामले की जांच और कैसे हजारों दुकानदारों पर दर्ज हुआ FIR, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में राशन घोटाले को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है प्रदेश में 6,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ। इधर इस मामले में खाद्य विभाग ने शिकायत सामने आते ही 13,000 से अधिक दुकानों का सत्यापन किया गया। सत्यापन के बाद 6,000 दुकानों पर प्रकरण दर्ज किया गया। सत्यापन में पता चला कि 69,000 टन चावल गायब है। इतना ही नहीं 14,000 टन सामग्री की वसूली भी की गई है। खाद्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 13 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई है। 161 दुकानों को निलंबित किया गया है जबकि 140 दुकानें निरस्त कर दी गई हैं। अब इसे लेकर भाजपा जहां सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, वही खाद्य मंत्री जांच में घोटाला साबित होने पर इस्तीफा देने की चुनौती देते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया ताकि ये आपदा के समय कोरोना कालखंड के अंदर में भूख से किसी की मृत्यु ना हो, उसको उसके भूख को शांत करने का काम किया। और ऐसे समय में गरीब के अन्न को छीनने का काम भूपेश बघेल जी ने किया और उस 5 किलो अनाज को खा गए। खुद विधानसभा में स्वीकार किए कि 68,000 मैट्रिक टन चावल का घोटाला हुआ है। पैसा कहां गया, उसका जवाब देना चाहिए। रमन सिंह जी के जमाने में नान घोटाला होता था, 36,000 करोड़ का जो घोटाला आज भी जांच के दायरे में है, केवल हाई कोर्ट के आदेश पर वो रुका हुआ है। जब जांच शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई हो जाए, इसको रोका जाए, तो कोर्ट ने रोका है। अब पलट करके जो आरोप लगा रहे हैं चावल घोटाले की बात, तो रमन सिंह जी को मैं खुली चुनौती देता हूँ कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो इस्तीफा देंगे क्या, उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में चावल घोटाला नया नहीं है, लेकिन एकाएक 6,000 से अधिक दुकानों पर केस दर्ज होने और 69,000 टन चावल गायब होने की घटना ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। खाद्य विभाग के जिम्मेदार भी इसे लेकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस मामले में क्या कार्रवाई होगी यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन चुनावी साल में राशन घोटाले ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा जरूर दे दिया है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।